दोस्तों आप सभी को राज बहादुर सिंह का नमस्कार। आज हम आपको जैसे कि कंस्ट्रक्शन वाटर में वाटर के बारे में, आप ग्रेडिंग टेस्टिंग के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत सारे टेस्ट बताए हैं और आज हम बात करेंगे क्लोराइड कंटेंट कैसे निकाला जाता है और कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा वाटर का सैंपल था, ये देखिए, इसमें हमने अपना कंस्ट्रक्शन वाटर का सैंपल लाया और इसको टेस्ट करने के लिए ये हमारा जो है ये हमारा बीकर है, ठीक है, जिसको पहले स्टील वाटर से पूरा जो है इसको वाश करना होता है और ये जो हमारा क्यूपैड है इसको क्या करने हैं, इसको पूरा क्लीन करते हैं। इसको कैसे क्लीन करते हैं ये हम बताते हैं। और इसके अंदर जो हमारा ये वाटर है, ये जो हमारा वाटर है ये क्रिस्टल वाटर है। दोस्तों अब ये देखिए, हम 10 एमएम अपना जो कंस्ट्रक्शन वाटर है उसका सैंपल लेंगे। और ये हम इसको क्या करेंगे, इसको बीकर में डालेंगे। दोस्त इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको करना है, आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5% वाला K2CrO4 का सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद एक दूसरा जो अपना सोल्यूशन है वो है 0.01 Na नॉर्मल AgNO3 का, ठीक है। ये दो सोल्यूशन पहले हम बनाएंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको वाटर में डाल के टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले एक 1 to 2 ml जो है हम इसमें क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे K2CrO4। ये देखिए दोस्तों इसका पर्पस क्या है, ये येल्लो कलर डेवलप करने के लिए होता है, ठीक है, जो हम टेस्ट करते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या है, येल्लो कलर को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों अभी क्या करेंगे, ये जो हमारा 0.01 नॉर्मल AgNO3 का सोल्यूशन है इसको क्या करेंगे, पीपेड में भर के और इसको टाइटनेट करेंगे, इसको क्या टाइट्रेशन करेंगे। ये देखिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं। हमारा जो सैंपल है ये क्या है, ये हमारा 0.01 नॉर्मल AgNO3। दोस्तों ये देखिए जैसे कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, येल्लो से हमको क्या होना चाहिए, रेडिश ऑरेंज में होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा केमिकल हमने मिक्सिंग किया है 0.01 नॉर्मल AgNO3, वो धीरे धीरे देखिए येल्लो कलर को किस में कन्वर्ट कर रहा है, रेडिश ऑरेंज में। और जब रेडिश ऑरेंज में आ जाएगा वो हमारी कितना रीडिंग हमने मिक्सिंग किया है इसका कैलकुलेशन आपको दिखाते हैं। ये देखिए धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। दोस्तों ये देखिए ये अभी क्या हो गया, ये जो हमारा येल्लो था ये देखिए येल्लो से अभी हमारा किस में आ गया, ये रेडिश ऑरेंज में आ गया, ठीक है। अब इसकी जो रीडिंग है हम आपको रीडिंग कैलकुलेशन दिखाते हैं। ये हमारा जो पीपेड है ये देखिए, ये टोटल 10 ml का था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने जो अभी डाला है 20 डालने के बाद कितना हमारा बैलेंस है, नियर अबाउट 6.5 के आसपास गया है। इसके बाद हम अभी आगे में इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारा जो रीडिंग आया ये कितना आया, अभी पीपेड में जो हम लोगों ने सोल्यूशन डाला उसकी रीडिंग हमारी आई है 26। अब हम 26 को कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ रीडिंग की जगह हम यदि यहाँ 26.5 आया, इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमको कितना मिला, 26.5, ठीक है। अब ये 26.5 को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया आपका 26.5। अब इसको क्या करना है, हमारा जो फार्मूला होता है फार्मूले में हमारा ऑलरेडी IS कोड में दिया हुआ है, जो हमारा IS कोड है 3025 part 32, ओके दोस्त। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमारा जो आया है 26.50 into 35.50, इसको
सॉल्व करने से कितना आ रहा है 940.75, ठीक है। ये अभी इसमें कितना हमारा आया 940.75 मिलीग्राम पर लीटर, क्या है, लीटर, ठीक है दोस्तों। तो यदि हम एज पर आईएस कोड की बात करते हैं तो ऑलरेडी हमारे आईएस कोड में मेंशन किया हुआ है कि जो हमारा ये लिमिट है, ये जो हमारा क्लोराइड क्लोराइड का लिमिट है अपना कंसेक्शन वाटर में, वो 500 कितना दिया हुआ है, 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसमें दिया हुआ है, आईएस कोड 3025 पार्ट नंबर 32 में। तो यदि हम एज पर आईएस कोड क्लोराइड की बात करते हैं तो क्लोराइड्स जो है हमारे एज पर आईएस कोड की लिमिट से ज़्यादा हैं, इसलिए ये वाटर कंसेक्शन पर्पज़ के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर भेजिए, ताकि हम वाटर से रिलेटेड या और टेस्टिंग से रिलेटेड आपको वीडियो जरूर देते रहें। थैंक यू।